Hello everyone, I'm Dr. Madhuri Anantwar, dermatologist and cosmetologist practicing in Nagpur. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फंगल इन्फेक्शन के बारे में. फंगस ये एक तरह के कीटाणु रहते हैं जो ज़्यादातर गीली त्वचा पे पनपते हैं. इसलिए ये कॉमन रहते हैं बगल में, जांघों में या बैक पे, जहाँ पे अक्सर ज़्यादा पसीना आता है. पर इन जगहों के अलावा भी ये और कोई भी बॉडी पार्ट्स पे हो सकता है, जैसे कि सर पे, नाखूनों में या इवन पैरों में. इसमें अक्सर लाल रंग के चट्टे पाए जाते हैं जो अक्सर गोलाकार शेप में रहते हैं और ये साइड से फैलते हैं. इनके बॉर्डर्स पे कभी कभी बारीक बारीक दाने भी हो सकते हैं. और फंगस में सबसे मेन कंप्लेंट रहती है खुजली की, यानी इचिंग. बॉडी फोल्ड्स के फंगस में, जैसे कि हाथों के और पैरों के उंगलियों के बीच की त्वचा, ये कभी कभी सफ़ेद या लाल रंग की हो जाती है. नाखूनों का इन्फेक्शन में नाखूनों का रंग बदल के ब्लैक हो जाता है और इसका सरफेस रफ हो जाता है. नाखूनों के आसपास में सूजन आके यहाँ पे दर्द होना भी कॉमन होता है. सर का फंगल इन्फेक्शन कॉमन होता है बच्चों में जो रेगुलरली बाल वॉश नहीं करते हैं. इसमें ईचिंग के साथ साथ कभी बाल झड़ना या बाल सर पे दर्द होना भी कॉमन होता है. फंगल इन्फेक्शन ये किसी में भी हो सकता है, पर ये अक्सर पाया जाता है डायबिटीज पेशेंट में जिनमें ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहती, या जो पेशेंट्स लंबे समय से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पे रहते हैं, जिनकी प्रतिकार क्षमता कम रहती है, या जिनको ज़्यादा पसीना आता है. इसके अलावा फीट का या पैरों का फंगल इन्फेक्शन कॉमन रहता है एथलीट्स में जो लंबे समय तक सॉक्स या बंद शूज पहन के रहते हैं. फंगल इन्फेक्शन में त्वचा साफ और रूखी रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहाने के तुरंत बाद कपड़े ना पहने. कपड़े पहनने से पहले टॉवल से जांघों की त्वचा या बगल की त्वचा अच्छे से रूखी करके ही कपड़े पहनने की आदत रखें. अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है तो बॉडी फोल्ड्स में एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें. शाम में एक बार अंदर के और बाहर के दोनों कपड़े बदलने की आदत रखें. कपड़े जैसे कि जीन्स और स्लैक्स पहनना अवॉइड करें, हो सके उतने कंफर्टेबल और लूज कपड़े पहनें. आपके पर्सनल आइटम जैसे कि आपके कपड़े, शूज़, टॉवल्स या सोप्स दूसरों के साथ शेयर ना करें. धोते वक्त हमेशा आपके कपड़े अलग रखें, उन्हें गर्म पानी में भिगोएं और धोएं. सुखाते वक्त कपड़ों को प्रेफरेबली धूप में उल्टा करके, जैसे कि इनसाइड्स आउट करके, एटलीस्ट 2 घंटे तक सुखाएं. बिना इस्त्री किए कपड़े ना पहनें. अगर आपको खुजली की ज़्यादा तकलीफ हो तो हाथों को फ्रिक्वेंटली एंटीसेप्टिक लोशन से धोने की आदत रखें. आपके हाथ, नाखून और बालों को हमेशा साफ रखें. आपकी कंघी दूसरों के साथ शेयर ना करें. नंगे पैर पब्लिक प्लेसेस पे जाना अवॉइड करें. क्योंकि फंगल इन्फेक्शन अगर आपको हो तो ज़्यादा देर तक शूज़ या सॉक्स पहन के रहना अवॉइड करें. हो सके उतने ओपन या वेंटिलेटेड शूज़ पहनिए या प्रिफरेबली चप्पल पहनिए. आपके पुराने सॉक्स को फेंक दें और रोज सॉक्स को कड़क गर्म पानी में धोना ना भूलें. आपके जूते साफ रखें और उनमें रेगुलरली एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें. अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो पब्लिक पूल्स का इस्तेमाल करना अवॉइड करें. हमेशा हेल्दी फूड खाएं जो आपकी प्रतिकार क्षमता बढ़ाता है, और दिन में एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी पिएं. अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो खुद से दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें, स्पेशली स्टीरॉयड क्रीम्स, क्योंकि स्टीरॉयड क्रीम्स आपके कीटाणु को स्ट्रॉन्गर बना देती हैं, जिससे इन्फेक्शन जड़ से जाना मुश्किल हो जाता है. अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो किसी डॉक्टर को दिखाइए, हो सके तो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, और उन्होंने दिया हुआ ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट करिए. अगर आप दवाइयाँ बीच में ही छोड़ दें तो फंगस वापस आ सकता है. अगर आपके घर में और किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो सबने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, अदरवाइज ये एक से दूसरे में फैलता रहता है. आपकी दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह दूसरों से शेयर ना करें, क्योंकि हर एक फंगल इन्फेक्शन अलग होता है. जो दवाइयाँ आपको सूट हुई वो हर एक को सूट होगी ऐसा नहीं है. वो उनके इन्फेक्शन को बढ़ा भी सकती हैं या कभी कभी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट भी बना सकती हैं. तो स्वस्थ रहें और ख्याल रखें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करें. थैंक यू.